इश्क मेरी है आरज़ू, तेरा इश्क मेरी पनाह है, है गुनाह है इतना हसी ये, इसे ना करना ही गुनाह है। आज रो जो भी कहे दिल वो मान लेगा, ये इश्क जान लेगा, ये इश्क जान लेगा। शायरा देखा बहू बेगम, मैंने तो आपसे कहा ही था कि आपकी होने वाली बहू बहुत उतावली है, निकाह तक का वेट नहीं कर चाची। शायरा आप नूर के कमरे में जाएं। पर अम्मी बात क्या है? बस आजाद बस। बड़ी अम्मी नाराज क्यों हो रही है? शायरा, शायरा, ये लंदन वाले ने अब क्या कांड कर दिया? शायरा आप नूर के कमरे में जाइए। अम्मी धीरे बोलिए वरना। वरना क्या? फैज सुन लेंगे। फैज? फैज जी। फैज सब आपसे मिलना चाहते हैं। फैज हम आपसे कल बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। ये क्या है आसान? अम्मी ये कुछ नहीं है, हम बस बात कर रहे थे फैज से और चाची तमाशा कर रही थी, वो भी एक घटिया और बेहुदा तमाशा। हम बस कीजिए अम्मी, इसमें फैज के सारे रिकॉर्ड्स हैं, उसका बायोडेटा, उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, एवरीथिंग। शायरा को नूर की फिक्र हो रही थी, इसलिए हम शायरा को ये सब दिखाकर इत्मीनान दिला रहे थे कि फैज एक अच्छा लड़का है। अगली बार इन पर झूठा इल्जाम लगाने से पहले आज की बेइज्जती याद कर लीजिएगा। ये हवेली सच में बहुत खुशकिस्मत है, एक बेटी जा रही है तो दूसरी इतनी प्यारी बेटी आ रही है। हमें माफ कर दीजिए शायर। हम लोगों की बातों में आ गए। माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। चलिए नीनू, कल की तैयारियां करनी है। जी। चाची एक बात बताइए, अगर इन दोनों के बीच कुछ हो भी रहा है तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? नौकरानी की औलाद मेरी मुंह मत लगाओ। जी नहीं, मैं कहा वो तो चाचा लगेंगे ना। जाइए जाइए, वो रूम में आपका इंतजार कर रहे होंगे।
लेकिन नूर की सजा किसी और से नहीं हो सकती। बेबी हम तेरे लिए नूर से भी सुंदर लड़की लेकर आएंगे जो बहुत ही खूबसूरत होगी। नहीं अबू नहीं, मुझे नूर चाहिए। आजान शायरा आपकी बारी। अब आप दोनों के लिए बस एक ही रस्म बाकी है। कौन सी रस्म? ऐलान निकाह की रस्म। आदाब बेगम साहब। आदाब बेगम, लेकिन ये रस्म तो सिर्फ शाही परिवार के लिए होती है ना? जी, और नूर भी हमारी ही बेटी है। जो भी रस्में अजान और शायरा के निकाह में होंगी वो फैज और नूर के लिए भी होंगी। जैसा हमने पहले भी कहा है और जैसा अजान और शायरा भी चाहते हैं, फैज और नूर का निकाह भी इन दोनों के निकाह के साथ ही होगा। एक बेटी जाएगी और दूसरी घर आएगी। जिसका डर था वही होने वाला है। तारीख खुद को दोहराने वाली है। दिल टूटने वाले हैं और एक दलदला आने वाला है। अटेंशन, आज ये ऐलान किया जाता है कि नूर हसन कुरेशी वल्द महरूम हसन कुरेशी का निकाह फैज रहमान हुसैन वल्द रहमान हुसैन के साथ तय किया जाता है। हम इसे दरगाह पे भिजवा देंगे। नौकरानी का काम भी मुझे ही दे दिया। बड़ी आई है तो हल्दी लगाने वाली। अल्लाह, इसने देख लिया वो बेगम तो मेरी जान ले लेंगी। अजान बाबा की हल्दी जो शायरा बीबी के लिए आई थी वही नूर के लिए ले लेती हूँ।
माशूका, फैज की हल्दी लाइए। जी आई आई। शुक्रिया मीनू। अल्लाह माफ करे, मेरी वजह से अजान बाबा की हल्दी नूर को लग रही है। जो हक सिर्फ शायरा बीबी का था वो नूर के साथ बट रहा है।